नमस्कार, मैं रवि। आज का टॉपिक है ITI। आइए आज हम जानते हैं कि ITI कोर्स क्या होता है। ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ITI को एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी कह सकते हैं, मतलब यह डिप्लोमा से पहले लेवल का कोर्स है। आप कह सकते हैं कि ITI इंजीनियरिंग का पहला स्टेप है। ITI के बाद डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा के बाद BTEC कर सकते हैं। अब आपको ITI के साथ इंटर का भी डिग्री मिल जाता है, जिसके लिए आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश एग्जाम पास करना होता है अपने स्टेट बोर्ड से। आइए अब जानते हैं ITI का सर्टिफिकेट इशू किस डिपार्टमेंट से होता है। ITI का सर्टिफिकेट NCVT या SCVT द्वारा निर्गत किया जाता है। NCVT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है तथा SCVT का फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। आप जिस ITI कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो चेक कर लीजिएगा कि ITI NCVT से मान्यता प्राप्त है या नहीं, और कोशिश कीजिएगा कि आप NCVT मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लें, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। अब हम जानते हैं कि ITI में एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ITI आप 8वीं क्लास के बाद या 10वीं क्लास के बाद या इंटर के बाद कर सकते हैं। ITI को आप अपने मातृभाषा में भी कर सकते हैं। इंग्लिश की जानकारी होना कोई अनिवार्य नहीं है। ITI दो भागों में बटा हुआ है, इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन, फिटर इत्यादि आते हैं। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में फायरमैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि आते हैं। अब हम जानते हैं कि ITI का कोर्स कितने साल का होता है। ITI का कोर्स 6 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए होता है। 6 महीने के अंदर आता है फायरमैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर। 1 साल के अंदर आने वाले कोर्स हैं मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर इत्यादि। 2 साल के अंदर आने वाले कोर्स हैं इलेक्ट्रीशियन, फीटर इत्यादि। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन और फीटर ये दो ट्रेड बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, क्योंकि इसका डिमांड रेलवे में भी है और प्राइवेट कंपनीज में भी रहता है। अब आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कोर्स को करने के लिए फीस कितना लगता है। अगर आप सरकारी ITI में एडमिशन लेते हैं तो आपका फीस ना के बराबर लगेगा, लगभग 1-2 हज़ार में हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट ITI में एडमिशन लेते हैं तो ये फीस आपको 20,000 से लेकर 40,000 तक लग सकता है। अब हम आपको बता देते हैं कि आप ITI में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। अगर आप सरकारी ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए NCVT के वेबसाइट पर आपको जाकर देखना होगा उसका नोटिफिकेशन। अगर आप स्टेट से करना चाहते हैं तो स्टेट के वेबसाइट पर जाकर आपको देखना होगा और वहीं से अप्लाई करना होगा। मतलब सरकारी ITI, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो, आपको वेबसाइट पर जाकर ही ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस प्राइवेट ITI में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन मार्च से जुलाई के बीच में कभी भी ऑनलाइन निकल सकता है। उसके लिए आपको वेबसाइट चेक करते रहना होगा। लेकिन प्राइवेट ITI के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन ITI में जाकर ले सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, जैसे 8वीं या 10वीं या इंटर का मार्कशीट का जीरोक्स, आधार कार्ड का जीरोक्स, फोटो, स्कूल लीविंग या TC, फ़ोन नंबर और ईमेल ID। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जाति आवासीय आय भी जमा करना होगा, या फिर अपने आप भी कर सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर। हर साल इसका ऑनलाइन अप्लाई होता है, जो लगभग 5,000 हर बच्चे को दिया जाता है 1 साल के लिए। अब हम एज के बारे में जान लेते हैं। ITI करने के लिए आपकी एज 14 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप ITI कर लिए हैं तो ITI के बाद आप जॉब कर सकते हैं या आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं। अब आप नॉर्मल डिग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ITI के साथ इंटर का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। नहीं तो अगर ITI में टीचर बनना चाहते हैं तो आप CTI कर सकते हैं, जो 1 साल का होता है। CTI भी आप सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। CTI करने के लिए आपको CTI के वेबसाइट पर जाना होगा, और इसका ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने ITI कर लिया है या करने जा रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर
आईटीआई का सिलेबस वाइज वीडियो अपलोड होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।